वो खबरें नहीं है वो एडवर्टीजमेंट हैं उनसे प्रभावित ना हो एक्सपर्ट्स पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें क्योंकि पैसा आपका है इसलिए डिसीजन भी आपका होना चाहिए आगे बेंजामिन ग्रहम ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के और कई सारे टिप्स दिए हैं जैसे कि कभी भी हैं कुछ आईपीओज ही आपको लाभ देते हैं प्रॉफिट देते हैं बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है इसलिए ऐसी कंपनी में कभी पैसे ना लगाएं जिसकी पी रेशियो 25 से ज़्यादा है गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें कभी भी गिरते चाकू को ना पकड़ें मतलब ये कि जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसे ना लगाएं बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो हाथ कट जाएंगे लॉस हो जाएगा अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स तुरंत खरीद लें जैसे अगर इन मस्क कोई नई कंपनी शुरू करें तो सबसे पहले उसे खरीद लीजिए जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हों उसके शेयर्स कभी ना खरीदें बेंजामिन ग्रह आगे कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए ना कि तुक्के या गैस पर आप कभी भी अनुमान लगाकर शेयर नहीं खरीद सकते इसलिए हमेशा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा करेक्ट डेटा बेस्ड कैलकुलेशन पर बेस्ड होनी चाहिए कुछ लोग दूसरों की देखा देखी पैसे लगा देते हैं और फिर इंतजार करते रहते हैं उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया इसीलिए प्रॉपर एनालिसिस करें पढ़ाई करें समझें ऐसा ना हो कि कमाने के बजाय आप पैसे गंवा रहे हों जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर्स होते हैं तो उनमें कुछ घाटे में भी होते हैं और कुछ प्रॉफिट में होते हैं ऐसे में नेट प्रॉफ़िट और लॉस पता करना मुश्किल हो सकता है लेकिन डायरी पर लिख कर और बेसिक मैथ्स करके आप पता लगा सकते हैं जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है और अब उसके और बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो आप उसे बेच दीजिए क्योंकि वो उसकी अपर लिमिट तक पहुंच चुका है कुछ लोगों को उन शेयर से प्यार हो जाता है यानी आपको लगता है कि वो मैंने तो 20 साल पहले एक शेयर खरीदा था ये मेरी याद है एक नोस्टैलजिक मोमेंट है